नमस्कार, मैं हेमलता आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। गांधी जी ने आज के दिन दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था सत्याग्रह आंदोलन। दक्षिण अफ्रीकी सरकार के पूंजीवादी अध्यादेश के विरोध में वहां रह रहे भारतीयों के आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। 11 सितंबर 1906 को अहिंसात्मक तरीके से गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन में गांधी जी ने पूंजीवाद, अन्याय और रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन खत्म कर गांधी जी भारत लौट आए थे। स्वामी विवेकानंद ने आज के दिन दिया था शिकागो में ऐतिहासिक भाषण। अमेरिका के शिकागो में 11 सितंबर 1893 को आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है अपने धर्म पर, जिसने दुनिया के हर सताए हुए व्यक्ति को अपने देश में शरण दी। स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों के उद्देश्य को एक सूत्र में रखा और गीता के श्लोकों का वर्णन करते हुए कहा कि जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसे भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं। स्वामी विवेकानंद का यह वक्तव्य भारत की मजबूत छवि प्रस्तुत करता है। अमेरिका पर आज के दिन हुआ था दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला। अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को किया गया आतंकी हमला दुनिया के सबसे बड़े हमलों में से एक है। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से दो विमान टकरा गए थे। इस आतंकी हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। हमले के लिए आतंकियों ने 4 जेट विमान हाईजैक किए थे, जिनमें से 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर और 1 विमान पेंटागन पर गिराया गया था, जबकि 4th विमान खेत में गिरा था। इस हमले के लिए जिम्मेदार अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने वर्ष 2011 में पाकिस्तान में मार गिराया था। स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे का आज के दिन हुआ था जन्म। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता व प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम विनायक नारहरि भावे था। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया, जो स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा भावे का मानना था कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए ना हो, बल्कि जन जागरण के माध्यम से कोशिश की जाए। उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की, जो रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संघ था। उसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाना था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।